हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो आज हम तैयार करेंगे एक व्यू मीटर सर्किट बोर्ड। तो अगर आप नहीं जानते हैं व्यू मीटर दिखने में कैसे है, तो इसका इमेज आपको स्क्रीन में शो होगा। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे व्यू मीटर सर्किट बोर्ड को तैयार करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल में आए हुए सारे वीडियोज़ को देख सके। और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और शेयर करने मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक पीसीबी बोर्ड लेंगे। इस टाइप के बोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद जेनर डायोड लेंगे। ये 12 वोल्ट का जेनर डायोड है, ऐसे 7 पीस लेंगे। उसके बाद 680 ओम्स का रेजिस्टर लेंगे, ये हम 8 पीस लेंगे। 3 ग्रीन कलर का एलईडी लेंगे, 3 पीस येलो कलर का एलईडी लेंगे और 2 पीस रेड कलर का एलईडी लेंगे। आप एलईडी का जो कलर है वो आप जैसे चाहे ले सकते हैं। इसके बाद एक 220 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे और कुछ वायर्स लेंगे। आप स्क्रीन में जो डायग्राम शो हो रहा है उसके मुताबिक हम पूरे सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा व्यू मीटर बन के पूरा तैयार हो गया है। इसका जो ये वायर है ये हमारे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा। तो अब हमारे व्यू मीटर को टेस्ट करने के लिए हम इस एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। ये 60+60 वाट का है, ये होममेड है, इसको मैं बहुत पहले तैयार किया था। तो चलिए इसके साथ हमारे व्यू मीटर को अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसके साथ एक 8 इंच का स्पीकर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। स्पीकर को एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे सारे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सिक्योरली रख देते हैं, ताकि कोई प्रोडक्ट शॉर्ट होके डैमेज ना हो जाए। तो अब हमारी रूम को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि आप व्यू मीटर का जो लाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाए। तो चलिए डार्क करने के बाद हमारे एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ। तो देखिए ये ऑन भी हो गया है और ये ब्लूटूथ मोड में है। तो इसको आप हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और आपको इस व्यू मीटर को दिखा देते हैं ये कैसे काम करता है। Thank you.
तो आपने देखा हमारा व्यूमीटर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। तो अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।